हेलो दोस्तों, कुकिंग फूड विद स्मिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके का और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर के बेसिक सामान से ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और फूले फूले मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कच्चा आलू ले लिया है, तो आलू को सबसे पहले हम छील कर साफ कर लेंगे और एक से दो बार इसको हमें अच्छे से पानी से धुल लेना है, जिससे इसकी सारी गंदगी साफ हो जाए। मैंने एक बड़ा आलू लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप दो आलू से भी ये नाश्ता बना सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आलू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आलूओं के हम छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। साथ ही हम इसमें अदरक को डालेंगे, तो लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अभी हम इसको साइड में रखते हैं। ये मैंने 1 कप चावल ले लिए हैं। तो आपके पास जैसे भी चावल हैं, मोटे हैं या महीन हैं या टूटे हुए चावल हैं, वो भी चलेंगे। तो इसको लगभग 1.5 घंटे तक मैंने पानी में भिगो कर रखा था, जिससे ये अब अच्छे से फूल चुके हैं। तो इस तरह से हाथों से दबा कर देखिए, ये बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। बस इसी तरह से हमें इनको रखना है। और अब इनका हम सारा पानी निकाल देते हैं और इन चावलों को अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। आलू के साथ ही हम इनका भी पेस्ट बना लेंगे। और अभी हम आपको इसका पेस्ट बनाकर दिखाते हैं कि हमें किस तरह का इसका एक पेस्ट बनाना है। और ये देखिए, पेस्ट बन चुका है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है पेस्ट का, और इससे ज़्यादा गाढ़ा या पतला हमें नहीं करना है। और इसमें बिल्कुल भी पानी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, साथ ही 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे की जगह आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें अपनी पसंद के कुछ और भी मसाले डाल सकते हैं। तो मैं इसको सादा ही बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में लगभग 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। और इस तरह से इसको बीट करेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही फूला फूला और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो लगभग 2 मिनट तक हमें इसी तरह से फेंट लेना है। और 2 मिनट तक मैंने भी इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये नाश्ता देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब धनिया को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप ये नाश्ता बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, जिससे अच्छे से फूल चुका है। केवल 5 मिनट ही हमें रखना है। और इसमें मैंने खाने वाला सोडा 2 पिंच डाल दिया है। अब इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेते हैं, जिससे सोडा पूरे में अच्छे से घुल मिल जाए और एक ही जगह ना रहे। तो अब हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस नाश्ते को कैसे बनाना है। अगर आप चाहें तो इसको हाथों से भी बना सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं, और इस तरह से इसको आप सीधे बना के कढ़ाई में डाल सकते हैं। या फिर एक इस तरह का चमचा ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, और 1 चम्मच भर के अब हम इसमें इसका पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और एक तरफ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है,
और इस तरह से चमचे से हम डालते जाएंगे, जिससे बिल्कुल एक तरह का नाश्ता बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो आराम भी रहेगा इस तरह से डालने से, तो जैसे आपको सरल लगे आप हाथों से भी इसको डाल सकते हैं या चमचे से भी इस तरह से डाल सकते हैं। और अब इस तरह से इसके ऊपर तेल डालते जाइए, जिससे ये ऊपर से भी थोड़ा सा सिक जाएगा और अच्छे से फूल भी जाएगा। तो लगभग एक मिनट बाद ही हम इसको पलटेंगे, जब तक ये एक तरफ से अच्छे से सिक ना जाए। और इस तरह से अब हम इसको पलटते जाते हैं, देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको मेरे इस एक कच्चे आलू की नई रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये नाश्ता पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नए वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। और ये देखिए बहुत ही कम समय में घर के बेसिक सामान से कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है, जिसको आप हर रोज़ बनाइए और हर रोज़ खाइए। ये ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, तो एक बार तो बनाना बनता ही है। और ये देखिए अंदर से कितना फूला फूला बना है। तो आप भी इस नाश्ते को एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।